जय श्री कृष्ण राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आईब्रो में जो ध्यान रखने योग्य बातें। तो अगर आप खुद की अपनी आईब्रो घर बैठकर करना चाहती हैं तो आपको सबसे पहले अपनी आईब्रो का शेप दिया करना होगा। वैसे तो इसके लिए आपको थ्रेडिंग की थोड़ी जानकारी होना ज़रूरी है, पर अगर आप इसके बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो वाइट आईलाइनर की मदद से आईब्रो का शेप बना सकती है और फिर अनचाहे बालों को हटाना शुरू कर सकती है। सेकेंड, घर पर थ्रेडिंग करने के लिए ज़रूरी है कि ट्विज़र अच्छी क्वालिटी का हो। अगर किसी भी तरह का इसकी क्वालिटी से समझौता किया तो कम की जगह ज़्यादा बाल खींच सकते हैं, जिससे बाद में दर्द और दाग पैदा होने की समस्या बढ़ सकती है। आईब्रो को बेहतर आकार देना चाहती है तो आईब्रो के ऊपर और नीचे दोनों जगहों को अनचाहे बालों को पहले हटा लें। थ्रेडिंग बनाने के बाद अक्सर महिला मिरर के आकर इसका शेप देखती है, जो कि गलत है, जिससे आपको अपनी आईब्रो का सही शेप समझ नहीं आता। इसलिए असली स्थिति आपको दूर से ही देखने से ही पता चलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।